महाराष्ट्र में सियासत का एक नया दौर शुरू होने वाला है क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री पद के साथ एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया है और बहुत भावुक नजर आए, कहा कि मैं जिस गली जाना नहीं चाह रहा था वहां मैं गया, जो चीज अपनाना नहीं चाह रहा था लोगों कहने अपनाई, लेकिन मेरे अपनों ने जब धोखा दिया तो अब कुछ सही नहीं है और मैं सीएम पद के साथ एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें फ्लोर टेस्ट कल होने वाला था, तकरीबन 50 विधायकों ने बगावत की थी जिसमें 39 तो शिवसेना के थे। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना की रीढ़ की हड्डी थे उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर इस बगावत को अंजाम दिया था और उसके बाद उद्धव ठाकरे से कहा कि एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। इसी हिंदुत्ववादी पर ये उठापटक चलती। अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने के लिए शिवसेना ने हालांकि तमाम कोशिश की, धाराशिव उस्मानाबाद का नाम कर दिया, संभाजीनगर औरंगाबाद का नाम कर दिया, लेकिन शायद ये कोशिशें काफी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा और वहां से एक झटका लगा तो उद्धव ठाकरे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लिहाजा उन्होंने आज ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 2.5 साल बाद चुनाव है, लेकिन आपको क्या लगता है कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ जाकर सही किया था गलत किया था, इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, कॉमेंट कीजिएगा। और फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप उन्हें कैसे देख रहे हैं इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा।